हेलो गाइस, वेलकम टू अचल व्यूज बॉडी ब्लॉग्स। और चलते हैं अपन बाहर। तो मैं अरे आ खुशबू कह रही आ रही है कुछ भूल रहे हैं। हमारा पावर बैंक कहाँ है। ओ घी निकल रहा है बादशाह, घी ओरिजिनल घी। अरे अरे तो जल गई है पूरी। भाई बाजार में मार्केट में सब फेक चीजें बिकती है, इसलिए घर पे बनाना पड़ता है घी को भी। समझ रहे हो बात मेरी? ओके जी भाई साहब, चलते हैं बाहर। और ये अपनी सुंदरी खड़ी है, इसको अभी के लिए ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ इसको नहीं लेके दे। और तेरी भैंस का भाई, वो थार वाला ऐसा गया ना यहाँ से, ऐसा निकला ना भाई साहब, भैंस की आंख। कैसे कैसे लोग है यार यहाँ पे, समझ से ही बाहर है मेरे तो। सौदा तो मैं दिखाने आया हूँ, जो काम चल रहा था वो कितना हो गया है। दादाजी फुल बैठे ही हूँ एकदम यूँ। वो देखो जा रहे हैं दादाजी, जा रहे हैं फुल ऑन मोड चालू है एकदम। देखो ये देखो कितना काम हो गया। यहाँ पे पूरे पत्थर लगेंगे, दुकान दो दुकान के शटर भी लग चुके हैं भाई साहब। ये देखो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है काम, फास्ट फॉरवर्ड काम है सारा। अभी इसका पूरा फेस तो निकल गया है ना, अभी तो इसके ऊपर भी बनेगा, ऊपर का हिस्सा भी बनना बाकी है, वो थोड़े दिन में चालू होगा। पहले नीचे वाला कंप्लीट होगा फिर ऊपर का बनेगा, फिर जो फेस निकल गएगा ना भाई साहब मजा ही आ जाएगा यार, बहुत भयंकर वाला। एक दो तीन चार पाँच छः सात दुकान है यहाँ पर, सात। और वो अभी पूरे में ऐसे पत्थर लग जाएंगे, वो सामने दिख रहा है आपको, तीन पत्थर जो लग रहे हैं पूरा ऐसा का ऐसा हो जाएगा, पूरा सब जगह भी ऐसे पत्थर लग गए। इसको बोलते हैं जोधपुरी पत्थर, समझ रहे हो, ऐसा सौदा सेट हो जाएगा यार। हाँ तो पीयूष भाटी व्लॉग सिर्फ शूटिंग चल रही है, चलो जी चलते हैं वापस घर पे। और माता जी कुछ बना रहे हलवा, वो खा लेते हैं अपन ओरिजिनल। भाई बाहर जाके आ गए थे अपन वापिस, और यहाँ पे कुछ बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये बन रहा है हलवा, पहले इसका घी निकला था, अब इसका बन रहा है हलवा। और ये बहुत खाने में टेस्ट होता है भाई साहब, क्या ही बताऊँ आपको। क्यों माता जी, इसको रेडी होने में अभी टाइम लगेगा, समझ रहे हो। तब तक अपन एडिटिंग कर लेते हैं अपने ब्लॉग की आधी अधूरी, और ये खाने के बाद अपन चलेंगे क्रिकेट खेलने, क्योंकि बहुत मन हो रहा है फिर से, और सारी जनता आ चुकी है वहाँ पे, और कब से मेरे पास फोन आ रहे, तो जल्दी चलेंगे अपन खेलने के लिए। और बाकी तो मजे आ रहे हैं बहुत भयंकर वाले, और क्या कुछ भी नहीं है। और भाई साहब कल हमारी गली में कांड हो गया बहुत भयंकर वाला, मेरे पास उसका वीडियो आएगा, मैं आपको इस ब्लॉग में अटैच कर दूंगा मैं वो वीडियो आते ही, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, मैंने दोस्त को फ़ोन भी किया था, इतने भयानक लोग रहते हैं हमारी गली के अंदर यार, क्या बताऊँ आपको, ज़बरदस्त साले हवाबाज। और भाई वो इतना भोला दिखता है ना आदमी, लेकिन वो भोला है नहीं, क्या बताऊँ तुम्हें, भोला बिल्कुल भी भोला नहीं है वो आदमी, समझ रहे। अभी मैंने एक जगह फ़ोन किया मेरे भाई को, तो वो मेरे को भेजेगा वो वीडियो, देन मैं इसके अंदर अटैच कर दूंगा, और तुम देखना क्या कांड किया इसने भाई साहब, लोगों में डर का माहौल है, डर का, समझ रहे हो बात, ये कंडीशन है हमारे मोहल्ले की, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, वो हलवा खा लेते हैं और चलते हैं क्रिकेट खेलने, और फिर वो वीडियो लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके जी, जब बाबा जी हलवा तैयार हो चुका है, और ये बहुत ही टेस्टी है भाई साहब, बहुत ही टेस्टी, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी है।
बहुत जबरदस्त टेस्टी भाई साहब, मजा ही आ गया। इसको बोलते हैं मलाई का हलवा, समझ रहे हो, ऑर्गेनिक चीज है बहुत ज्यादा। इसको निपटा दें फिर मिलते तो है। भाई साहब क्रिकेट तो खेले नहीं अपन, क्योंकि कोई काम याद आ गया बहुत ज्यादा अर्जेंट, तो निकल रहा हूँ मैं और वापिस आके मिलते हैं आपसे। कान दर्द हो रहा है यार भाई। चलो जी काम निपटा के आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ओके जी। जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर आ रही है। सिरफरे ने घर के बाहर बाइक में आग लगा दी। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रात गुजरते बाइक में आग लगने की घटना सामने आई है और लोगों में भय का माहौल है। फलौदी के शिवपुरी क्षेत्र में बीती रात की यह पूरी घटना बताई जा रही है। जोधपुर के फलौदी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सिरफरे ने बाइक में आग लगा दी और देखिए सीसीटीवी फुटेज में जो पूरा घटनाक्रम है, पूरी वारदात है, वो कैद भी हो गई है। तो लोगों में अब भय का माहौल है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। लगातार जांच भी अब की जा रही है कि आखिरकार ये बदमाश था कौन। जोधपुर के फलौदी से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सिरफिरे ने घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। दीपक, क्या कुछ ही पूरा मामला है, क्या सिरफिरे का पता चला जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसके आधार पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है वो एक सरफिरे द्वारा एक कतूत की गई है, वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। हालांकि ये बीती रात की घटना है, लेकिन फिर भी जब सामने जब सुबह उसके उन्होंने देखा, लोगों ने देखा कि ये बाइक घर के आगे जो है वो खड़ी थी, वो जल गई है और उसे जला दिया गया है। बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें इस सरफिरे की कतूत सामने आई है। हालांकि उसकी पहचान करने में भी आसपास के लोग जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसी कतूत जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक बार परेशानी में डाल चुकी है और लोगों के लिए एक बार ये जो है भय का माहौल व्याप्त हो गया है। हालांकि इस तरह की दृष्टि देखा जाए तो चौपहिया और दोपहिया वाहन जो है घरों के बाहर खड़े रहते हैं शहर में, और वहां पर जो एक तरह की जो वारदात को अगर अंजाम दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं सोचते विषय बन जाता है। हालांकि इस मामले को लेकर अब तक पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच रही है। इस मामले को लेकर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये घटना, ये वारदातें पहली बार, पहले भी ऐसी सामने आई है कि कोई भी सिरफरा आता है, आग लगा जाता है या चोरी की जो बाइक होती है, जो दुपहिया वाहन है उनको चोरी कर लेता है। तो पुलिस क्या कुछ कर रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी अभिता बिल्कुल, इसे चोरी के मामले तो लगातार सामने आते ही रहते हैं। हालांकि दोपहिया वाहन भी उठा ले जाते हैं लोग और जो बाइक है चोरी की घटनाएं सामने आती है, लेकिन आग जलने की घटना ये दूसरी तीसरी है, ये दो तीन सालों में पहली बार सामने आई है, दो बार पहले आ चुकी है और इस तरह से घटना जो है वो कहीं कहीं लोगों में एक भय का माहौल व्याप्त करती है। अभिता ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से लोगों पर एक बार ये है जो प्रशासनिक अधिकारी या यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका। तो भाई हमारे गली में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, देख लो ये न्यूज़ देख ली होगी आपने, तो बहुत ही भयानक लोग रहते हैं और पूरा सिस्टम हैंग कर दिया इन्होंने। रात को भाई साहब इसने आग लगाई है इस व्यक्ति ने, अब सोचो कितना भयानक आदमी होगा ये, पूरी गाड़ी को जला दिया। बहुत ही विचित्र प्राणी रहते हैं हमारे इस मोहल्ले के अंदर और क्या ही बोलूं बाकी। ओके जी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर लेना दोस्तों। जय श्री राम, जय बाप। बाकी मिलते हैं आपसे।